उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बहुत बड़ी खबर। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ लोग बाइक पर जा रहे हैं, उनके पास ग्रीन झंडे लहराए हुए हैं। आखिर ये लोग क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पंचील बिल्डर ने ठेकेदारों की करोड़ों रुपए की पेमेंट रोक कर बैठा है। मामला ये है, पंचील बिल्डर ने ठेकेदारों से काम कराया, काम कराने के बाद ठेकेदारों का लगभग एक साल का वेतन रोक के बैठा है, जिस कारण ठेकेदारों ने गरीब मजदूरों को वेतन नहीं दिया और कुछ वेतन दिया है तो अपना घर, अपनी ज़मीन, अपने जेवरात गिरवी रखकर गरीब मजदूरों को सैलरी और वेतन दिया है। लेकिन उसके बाद भी लगातार ठेकेदारों को ये उम्मीद थी कि पंचील बिल्डर हमारी पेमेंट हमें दे देगा। एक साल बीत गया, लगातार एक महीने से लोग धरना प्रदर्शन बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन बलराज भी इनको फुल सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन बलराज हमेशा गरीबों के साथ में और ऐसे लोगों के साथ में हमेशा खड़ा है। तो ये लोग इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इस उम्मीद से जा रहे हैं क्योंकि पंचील बिल्डर जो है सेक्टर 63 नोएडा से भागकर सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा पहुंच गया है। तो ये लोग इस उम्मीद में जा रहे हैं कि हो सकता है सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा पहुंचकर हमारा वेतन, हमारी सैलरी हमें मिल जाए। ठेकेदार ये उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि हो सकता है सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा में पंचील बिल्डर जो हमें रुकी हुई पेमेंट है लगभग जो 22 करोड़ के आसपास है, वहाँ पर पहुँचकर हमारी पेमेंट मिल जाए। तो इसीलिए आप देख सकते हैं, गरीब मजदूर दिन रात मेहनत करने के बाद, ना बारिश देखी, ना धूप देखी, ना ठंड देखी, लगातार मेहनत करने के बाद भी आज वो अपनी पेमेंट के लिए, अपनी सैलरी के लिए, अपनी वेतन के लिए दर दर भटकता फिर रहा है। तो आप देखिए इस खास रिपोर्ट को कि आखिर पूरा मामला क्या है। आप देख सकते हैं ये गरीब मजदूर जो रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना खाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं नोएडा कमाने के लिए। कोई राजस्थान से है, कोई पंजाब से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई बिहार से है, अलग अलग राज्यों से नोएडा कमाने के लिए आते हैं। लगातार मेहनत करने के बावजूद भी जब गरीब मजदूरों को, गरीब कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है तो आखिर वो कहाँ जाएगा। एक महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन बलराज भी फुल सपोर्ट कर रहा है गरीब मजदूरों को, गरीब कर्मचारियों को, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार पंचील बिल्डर जो है गरीब मजदूरों की और गरीब ठेकेदारों की पेमेंट देने को तैयार नहीं है। आखिर ये पूरा मामला कई दिनों से चल रहा है। सरकार को भी इस बात का पता है, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, यह हमारा ग्रेटर नोएडा प्रशासन है, यह हमारे प्रशासन के जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, DM साहब है, कमिश्नर साहब है, SCP साहब है, DC साहब है, सभी इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, क्योंकि लगातार वीडियो मीडिया के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा रही है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर ये मजदूर क्यों बैठा है। कड़ी सर्दी में भी मजदूर अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा है, वो किसी से हराम की भीख नहीं मांग रहा है, वो किसी से हराम का पैसा नहीं मांग रहा है। जब मजदूर को मेहनत करने के बाद भी सैलरी नहीं मिलेगी, वेतन नहीं मिलेगा, जिन ठेकेदारों ने ना दिन देखा ना रात देखा, लगातार कहां कहां से मजदूरों को अरेंजमेंट करके मजदूरों से काम करवाया और पंचील बिल्डर की साइडों को कंप्लीट कराया, उसके बाद भी जब पेमेंट नहीं मिलता है तो आखिर पंचील बिल्डर के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ठेकेदार हैं जिन्होंने काम कराया है उन्हें क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो को पूरा देश देख रहा है, हमारे देश के युवा देख रहे हैं, हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई इन मजदूरों के पास इनके हालचाल जानने के लिए आया है, ना ही किसी ने किसान यूनियन बलराज से बात करने की कोशिश करी। कोई भी अधिकारी, चाहे वो पंचील बिल्डर की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हो, कोई भी ठेकेदारों से बात करने को तैयार नहीं है। अगर इन केस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कोई गरीब मजदूर की जान चली जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार या पंचील बिल्डर? तो बस मैं आपको दोस्तों वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि कृपया इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो आंखें बंद करके बैठा है प्रशासन उनकी आंखें खुल जाएं, जो गहरी नींद में सोया बैठा है प्रशासन वो नींद से जाग उठे और उनको पता लगे कि आखिर जो है भारतीय किसान यूनियन बलराज क्यों धरना प्रदर्शन दे रहा है, क्यों हज़ारों की तादाद में मजदूर जिन्होंने दिन रात मेहनत की है वो आखिर क्यों बैठे हैं। दोस्तों अगर आज आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आज पंचील बिल्डर आपको प्रताड़ित कर रहा है, कल हज़ारों पंचील बिल्डर की तरह उभर के आएंगे और गरीब मजदूरों से मेहनत करवाएंगे और उसके बाद भी उनकी सैलरी नहीं देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करो कि पंचील बिल्डर की जो जड़ें हैं वो उखड़ जाएँ और वो मजबूर होकर गरीब मजदूरों के सामने आए, गरीब ठेकेदारों के सामने आए और उनकी जो भी समस्या है उनको पूरा करें और उनका रुका हुआ वेतन
उनको वापस करें। मैं वीडियो के माध्यम से भी प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि कृपया इस वीडियो के माध्यम से, मैं ग्रेटर नोएडा के संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि जल्द से जल्द मजदूरों की मांगों को पूरा किया जाए और जो भी रुका हुआ पेमेंट है ठेकेदारों का, मजदूरों का, वो जल्द से जल्द दिलाने की कृपा करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हल्का चलना, हल्का हल्का रुक, हल्का 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 रुकना, हल्का 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 दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।